कोरोना वायरस के कारण भी सेहत पहले ही बड़ी मुसीबत में नजर आ रही थी। पिछले 5 महीने से भारतीय टीम ने कोई क्रिकेट मैच नहीं खेला है। हालांकि इसी समय ICC ने जब T20 विश्व कप को स्थगित करने का फैसला किया तो BCCI ने अब उसी विंडो में IPL 2020 को UAE में खेले जाने का फैसला किया है। हालांकि इस बीच BCCI एक बड़ी मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विकी और मैं हूं आपके साथ आदित्य तिवारी। BCCI अब एक बड़ी मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जयसा का कार्यकाल अब जल्द ही खत्म होने वाला है। अक्टूबर 2019 में इन दोनों ने अपना पद संभाला था। इसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि जल्द ही इन्हें पद छोड़ना पड़ेगा, जिसका कारण लोढ़ा कमेटी का बनाया हुआ नया नियम है। इसे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर BCCI ने अपने यहाँ लागू किया था, जिसके अनुसार कोई भी सदस्य मात्र 6 साल के लिए ही लगातार BCCI के लिए काम कर सकता है। अगर कोई राज्य संघ के लिए भी काम कर रहा है उस समय भी उसे BCCI के लिए ही काम करना माना जाएगा। इसी नियम के वजह से सौरभ गांगुली और जयसा को अपना यह पद छोड़ना पड़ सकता है। दरअसल इसके पहले सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए काम कर रहे थे, जहां पर उन्होंने जनरल सेक्रेटरी और अध्यक्ष दोनों की भूमिका निभाई थी। वहीं जयसा की बात करें तो उन्होंने इससे पहले गुजरात क्रिकेट संघ के लिए लगातार 5 साल तक काम किया था, जिसके कारण अब इन दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष का होने वाला है, जिसके कारण अब इन्हें कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना पड़ सकता है, जिसमें कहा गया है कि 3 साल इन्हें अब कोई भी पद नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद ही वो दोबारा BCCI में वापसी कर सकते हैं। हालांकि BCCI ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक मांग की थी, जिसके अनुसार राज्य संघ को अलग कर दिया जाए और BCCI के लिए ही सिर्फ 6 साल काम करने को मान्य कहा जाए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होनी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है, जिसके कारण BCCI बड़ी मुश्किल में नजर आ रही है। अब इस बीच अगर BCCI कोई बड़ा फैसला करती है तो क्या उसे मान्य कहा जाएगा या नहीं, इसको लेकर एक बड़ी चिंता का विषय सामने आ रहा है। IPL 2020 के आयोजन को लेकर चल रही चुनौतियां अब उनके लिए और बढ़ने वाली हैं। उम्मीद है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस पर लेकर कोई फैसला करेगा, जिसके बाद मामला साफ हो पाएगा कि सौरभ गांगुली और जैसा कितने समय तक BCCI को अपनी सेवा दे पाएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर इसे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें।